नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी रेलवे हॉस्पिटल कोटा डिवीजन। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आप सब लोगों से एक अपील करता हूं कि जब तक लॉकडाउन रहे, कृपया अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। हर तरह से पूरा देश इसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है, हर हेल्थ वर्कर इसमें लगा हुआ है, हर पुलिस इसमें लगी हुई है, हर डॉक्टर इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही तरीका है और वो सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम पूरे वायरस पे एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है दोस्तों आप लोगों का घर में रहना। अंदर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। जब तक कि इस चीज से हम उभर नहीं जाते, जब तक कि हम इस चीज का सोल्यूशन निकाल नहीं रहते, जब तक कि हम इससे बाहर निकल नहीं जाते, तब तक प्लीज आप घर में रहिए। अगर हल्की सी सर्दी जुकाम कुछ होती है तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज, हर सर्दी खांसी कोरोना नहीं है, साधारण कोल्ड भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। उसके लिए आप अपने चिकित्सक से कंसल्ट कीजिए, या तो हो सके तो फोन पर कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर करिए, या फिर अगर अति आवश्यक हो, अर्जेंट हो, तभी आप चिकित्सक के पास जाइए। जब तक कि कोई जरूरी नहीं हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जिसकी वजह से कि आपकी लाइफ को खतरा हो, तब तक आप हॉस्पिटल मत जाइए, डॉक्टर के पास मत जाइए। क्योंकि आप अगर छोटी सी बीमारी लेके आएंगे, चिकित्सक के पास से आप दूसरी बीमारी लेके जा सकते हैं, हॉस्पिटल से आप दूसरी बीमारी ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस समय हम सबको मिलकर साथ काम करने की जरूरत है। मैं चिंतित सिर्फ इस चीज के लिए हूँ कि अगर इसका प्रभाव या ये कोरोना वायरस अगर एक बार अपने गांव में या छोटे कस्बों में स्प्रेड हो गया, तो इसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल चीज होगी। हम उसको उस लेवल तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि इस कड़ी को यहीं पे तोड़ दिया जाए। अब नए केस हमारे सामने आए नहीं, जो केस है उसको ट्रीट करने की हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हर एक इंसान इस चीज में लगा हुआ है, सहयोग चाहिए तो सिर्फ आप लोगों का, सिर्फ आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, और वो हेल्प आपकी इतनी बड़ी होगी कि हम पूरे देश को बचा सकते हैं, पूरे विश्व बच सकता है। प्लीज आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं किसी चीज के लिए, साधारण बीमारियों के लिए, तो आप मोबाइल के थ्रू आयो ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री सेवा है, आपसे कोई चार्जेस नहीं होगा, आपका पूरी तरह हर प्रॉब्लम सुल के पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बस आपसे एक ही अपील है कि दोस्तों प्लीज स्टे एट होम।